आज हम ये जो पाठ है इस पाठ से संदर्भ में ही थोड़ी सी अलग प्रकार की जो जानकारी है वो जानकारी हम आज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि लेखिका रुक्मिणी संगल जी जब राजस्थान की यात्रा करती हैं तो राजस्थान की यात्रा करते समय वो जैसे जैसलमेर पहुंचती हैं तो कहा जाता है उस जैसलमेर शहर के बारे में कि 1974 में जब पोखरण में अनुस्फोट किए गए थे तब प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा जी गांधी, और इंदिरा जी गांधी जी ने जब पोखरण में अनुस्फोट करवाए तो उस अनुस्फोट करवाने के बाद कहा जाता है कि वह अपना जो हेलीकॉप्टर था उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर से कहती है कि ये जो जैसलमेर शहर है ये इतना सोने के रंग का क्यों दिखाई देता है, और दो चक्कर या तीन चक्कर लगवाने के लिए वो पायलट से कहती हैं और पायलट दो तीन चक्कर जैसलमेर शहर के लगवाता है। और उस शहर को देखने के बाद इंदिरा गांधी जी के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि वह कहती हैं कि क्यों ना ये जो शहर है इतना सुंदर है तो इसका पर्यटन का विकास किया जा सकता है। और 1974 में फिर पटवा की जो हवेलियाँ हैं उस पटवा की हवेलियों को इंदिरा गांधी जी ने 1,00,000 रुपये में उस पटवा के सेठ से खरीद लिया था ताकि वह राष्ट्रीय स्मारक बन जाए इसीलिए, और उस समय से फिर वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया। तो ये देन थी भारत की भूतपूर्व पहली महिला पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, कि जो जैसलमेर शहर को पर्यटन विकास के लिए जितना मंत्रालय की ओर से पैसा चाहिए था वो सब पैसा देती हैं और पर्यटन का विकास जैसलमेर का करती हैं। ऐसा भी इस पाठ के बारे में या इस ठिकान के इस प्लेस के बारे में कहा जाता है।